दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रहलाद प्रसाद जैन फेशियन। यदि आपका मल कड़क निकलता है, स्टूल हार्ड है और आपको जोर लगाने के बाद भी लैट्रिन थोड़ा थोड़ा करके पत्थर की तरह निकलता है, बहुत जोर लगाना पड़ता है, लैट्रिन के साथ में ब्लड की दो चार बूंदें भी आ जाती हैं, पेडू में गुदा में दर्द हो जाता है, तो यदि ऐसी शिकायतें आपके साथ हैं तो मैं आज आप लोगों को बिल्कुल आसान घरेलू नुस्खे बताऊंगा, जो एकदम आराम से स्वतः ठीक हो जाएगा। आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहेंगे तभी सारी बातें जान पाएंगे। और दोस्तों, नए व्यूअर से रिक्वेस्ट है, दोस्तों आप लोग वीडियो देख के चले जाते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, भूल जाते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है पहले सब्सक्राइब कर लो यारों, फिर वीडियो का आनंद लो। यदि आपका मल कड़क निकलता है, स्टूल हार्ड है और आप परेशान हो गए हो सकता है आपको मल के साथ में दो चार बूंद भी निकल जाता हो, इससे बवासीर होने का खतरा भी होता है, फिस्टुला भी हो सकता है, गुदा फट सकता है, पेंडू में दर्द हो सकता है, गुदा में दर्द हो सकता है, आप पसीना पसीना तर बतर हो जाते हो लैट्रिन करते वक्त, फिर लैट्रिन नहीं होता, तब क्या करें? तो दोस्तों आप लोगों को सबसे आसान उपाय, दो उपाय बताऊंगा जो बिल्कुल आसान है। रात में इसबगोल की भूसी चार चम्मच एक गिलास पानी में भिगो दें और सुबह खाली पेट पी जाएं, इससे भी आपका स्टूल ढीला हो जाएगा और खुल कर लैट्रिन आना शुरू हो जाएगा। अथवा सुबह एक गिलास गुनगुना पानी करें और उसमें दो ढक्कन कास्टर ऑयल यानी अरंडी का तेल डाल करके पी लोगे तभी आपका स्टूल ढीला हो जाएगा और लैट्रिन खुल के आना शुरू हो जाएगा। इसको स्वतः ही आप करें, धीरे धीरे एक हफ्ते में आपका समस्या दूर हो जाएगी। खाने में तली हुई भुनी हुई चीज़ें न लें, चिकनाई न लें, परोठे वगैरह पूरी पकौड़े समोसा ये सब न लें। खाने में फाइबर का मात्रा बढ़ा दें, जैसे रेशेदार खाना, फल फ्रूट ज़्यादा, पपीते खाएँ, पालक का साग खाएँ, ये सब चीज़ें ज़्यादा खाएँगे, केला भी खा सकते हैं, सेब भी खा सकते हैं, तो आपका जो मल है वो ढीला होगा और स्वतः ही बिल्कुल सड़क के नीचे गुदा से बाहर निकल जाएगा, समझ गए? तो आप इसको फॉलो करें, लाभ उठाएं हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।